काफी लोग पूछते रहते हैं कि हाउ टू बिकम ए लोको पायलट। लोको पायलट कैसे बने? दोस्तों, ये सवाल रहता है काफी लोगों का कि लोको पायलट कैसे बने। हमको ट्रेन चलानी है, हमारा ड्रीम है कि हम लोको पायलट बने और ट्रेन चलाएं। दोस्तों, लोको पायलट बनने के लिए ना आपको रेलवे में भर्ती होना होगा ALP, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर। डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बनते हैं। और ये ALP बनने के लिए ना RRB के थ्रू हम इसमें आते हैं, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, आप ITI किए हुए हों, ITI आप भले ही 10th के बाद किए हों, भले ही आप 12th के बाद किए हों, भले ही आप BEd, BCom, CCom जो भी कुछ भी करने के बाद किए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप ITI किए हों, कैसे भी किए हों, परसेंटेज मार्क्स, ये परसेंटेज मार्क्स बोलते हैं कई लोग कि 10th में कितनी परसेंट चाहिए, 12th में कितनी परसेंट चाहिए, या फिर ITI में कितनी परसेंट चाहिए। कोई भैया कोई वो नहीं है, कितना भी परसेंट आप से आप पास होकर के आए हों, यहाँ पर केवल एक ही शर्त है कि आप पास होकर के आए हों। कैसे भी पास होके आए, अभी तक 2024 तक कोई शर्त नहीं है कि आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए लोको पायलट बनने के लिए। ना तो 10th में कोई परसेंटेज चाहिए, ना ही 12th में चाहिए, ना ही ITI में चाहिए। ITI फिर BTech किए हों तब भी आप लोको पायलट बन सकते हैं, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI की ट्रेडों का सवाल आता है भैया, ट्रेड कि इसमें से ट्रेड कौन, लगभग 16 ट्रेड हैं। ठीक है दोस्त, लगभग 16 ट्रेड हैं, इनमें से आपने अगर ITI की है तो लोको पायलट आप बन सकते हैं। वो 16 ट्रेड ये हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिप्लोमा के लिए और बीटेक के लिए ये तीन चार ट्रेड हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, ये तीन चार ट्रेड हैं। सिविल वाले नहीं भर सकते इसमें, कंप्यूटर साइंस वाले नहीं भर सकते इसमें लोको पायलट के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। कहीं भी आपको एक भी जगह परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी डिग्री, डिप्लोमा, 10th या 12th कितने परसेंट से पास होनी चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आपका भाई फॉर्म भरे जाते हैं, हर 4-5 साल में फॉर्म वैकेंसी आती हैं, जो कि अब 2018 में आई थी, 2000 पहले आई थी 2014 में, उसके बाद आई है 2018 में, उसके बाद आई है 2024 में, ठीक है दोस्त। अभी रेलवे बोल रहा है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, ठीक है दोस्त। तो हो सकता है इसके बाद में 2025 में वैकेंसी आ जाए। तो आप लोको पायलट बनना बनना चाहते हैं तो आप 2025 में उम्मीद कर सकते हैं, जनवरी फरवरी में शायद नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके लिए एज वगैरह क्या है, बाकी वैकेंसियों में जो एज चाहिए होती है 18 वर्ष से 30 वर्ष, वही है। कोविड-19 की वजह से इस बार 3-3 साल की छूट दी गई थी, ठीक है, तो 3-3 साल की छूट दी गई थी। बाकी के जो एक्स सर्विसमैन है या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जो एज में छूट दी जाती है वो बाकायदा मिलती हैं यहाँ के। बाद में दो पेपर होते हैं, टोटल तीन पेपर होते हैं, CVT फर्स्ट, ये सिर्फ आपको पास करना है, केवल पास करना है। और रेलवे इसमें जो लेती है 15 गुना कैंडिडेट लेती है, ठीक है, टोटल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट लेती है, 15 गुना कैंडिडेट को CVT फर्स्ट में पास करती है। इसमें से जो पास होकर के आते हैं वो देते हैं CVT 2। हकीकत में क्या होता है कि जो ये 15 गुना कैंडिडेट है ना, यही कैंडिडेट CVT 2 में बैठते हैं। हम रेलवे इसका है ना रिजल्ट नहीं निकालती है, सिर्फ इतना बताती है कि आप CVT 2 में बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी CVT 2 में क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी दो पेपर होते हैं। पार्ट बी में होता है 35% नंबर आपको लेकर के आने हैं मिनिमम, ज़्यादा कितने भी लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्ट ए में जो नंबर आते हैं, टोटल जो नंबर आते हैं, मान के चलिए 100% कोई नंबर लेके आया, तो उसके आगे काम में लेंगे 70% नंबर को।
आगे फॉरवर्ड करेंगे 70% नंबर को, इनको बताऊंगा अभी ये कहां पर काम आएंगे। अभी एक एग्जाम तो ये हो गया सीबीटी फर्स्ट, दूसरा एग्जाम हो गया सीबीटी सेकंड, और इसमें भी दो पेपर हुए हैं इस तरीके से, और दोनों अलग अलग पास करने हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल तीन पेपर हो गए। इसके बाद में होता है भाई साइको, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें क्या है, पांच क्वेश्चंस आते हैं, पांचों क्वेश्चंस में उनमें फिर पांच पांच रहते हैं, वो अलग अलग, मेमोरी टेस्ट है तो अलग तरीके का आएगा, फिगर अरेंजमेंट का है तो अलग आएगा, तो उस तरीके से अलग अलग वो होते हैं। और इसमें ना 42% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए कम से कम, नेगेटिव नहीं रहता है इसमें, लेकिन कम से कम 42% पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंटों को। यहाँ पर कोई वो नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। ये 35% और ये 42%, इसमें किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जरूरी है इतने नंबर लेकर के आए, ठीक है। अब ये साइको में आप जितने भी नंबर लेकर के आए, मान के चलिए 100% नंबर लेकर के आ गए, तो 30% नंबर यहाँ से लेंगे, तो 70% यहाँ से, 30% यहाँ से, 100% ये बनता है, ठीक है दोस्त। तो ये आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से। सीबीटी 2 में जो होता है उसके पार्ट ए के 70% नंबर लेते हैं, और उसके बाद में साइको के 30% लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये इस तरीके से आप लोको पायलट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद में आपको मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा साथ में ही, उसके बाद में आपको भैया ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, 4-5 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आप डायरेक्ट ट्रेन पर आ जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये कि लोको पायलट कैसे बनते हैं, जो चीज़ें थी बेसिक सी मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मेन सवाल रहता है, वो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।